हमारे स्कूल में जो डेड बॉडी रखा गया था उसको देखकर तो मेरा दिल घबरा गया है। वो उसको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पूजा हो जाए तो स्कूल नया हो जाएगा, तो बच्चे को डर डर लेने के लिए। ये एक टीचर हैं और इनके पीछे का बैकग्राउंड ध्यान से देखिए। शायद आपको कुछ याद नहीं आया होगा, तो आपको बता दें कि ये वही स्कूल है जहां 2 जून को उड़ीसा रेल हादसे में मरने वालों के शव रखे गए थे। कुछ दिनों के लिए स्कूल को शव रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब स्कूल से सभी शवों को हटा दिया गया है, पर माहौल अभी भी डरावना बना हुआ है। बच्चे स्कूल में आने से कतरा रहे हैं। अच्छा से सफाई हो जाए और कलर हो जाए तो स्कूल नए जैसा हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि हम स्कूल जाएंगे। और बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पूजा हो जाए तो स्कूल नया हो जाएगा, तो बच्चे को डर डर लेने के लिए। समर वैकेशन गर्मी की छुट्टी के बाद कब खुलने वाला है? और एक सप्ताह के बाद। तो अभी अगर जैसे कि एक सप्ताह बचा हुआ है, समय बचा हुआ है, उसके बाद अगर स्कूल जाने की बात आई तो किस बात की घबराहट हो रही है? घबराहट होगी, लेकिन जो ब्लड फ्लो लगा होगा उसके लिए घबराहट होगी, क्योंकि हम तो लड़के हैं, हम तो इतना डर नहीं लगे, पर लड़के बच्चा हमसे छोटे या बड़े, हमारे छोटे छोटे भाई, उनको भी डर लगेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि स्कूल को जरा सफाई हो जाए, कलर हो जाए, प्लॉट नोट नहीं लगा होगा, ऐसा अच्छा लगेगा स्कूल। एक बार फिर से जब कलर हो जाएगा, स्कूल फिर से नया हो जाएगा, हम अच्छा से पढ़ने अच्छा दिल लगेगा, क्योंकि अभी तो दिल में घबराहट होगी, हमको पढ़ने भी दिल नहीं लगेगा। हमारे स्कूल में जो डेड बॉडी रखा गया था उसको देखकर तो मेरा दिल घबरा गया है। वो उसको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सबसे पहले बताऊंगी, स्कूल को पहले साफ और पूजा पाठ कर लेना चाहिए, वरना मेरे छोटे छोटे बहन और भाई बहुत डरेंगे। आपका कुछ दिनों के बाद से स्कूल खुलने वाला है, गर्मी की छुट्टी के बाद आपका स्कूल खुल जाएगा, तो क्या आप स्कूल जाना? स्कूल तो नहीं जाऊंगी, लेकिन स्कूल के पूजा पाठ कर लेना चाहिए, इसके बाद जाऊंगी। तो आप क्या चाहते हैं स्कूल जाने के लिए, आपको क्या करना होगा? स्कूल को नई जैसे कर लेना चाहिए, और स्कूल में पूजा पाठ और रंग देना चाहिए। तो अगर जैसा कि आप बता रहे हैं स्कूल की सफाई करने की बात कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे? नहीं होता तो डर तो लगेगा, ब्लड तो सब जगह फैले हुआ है, ब्लड देखकर दिल घबरा गया है, मेरा बहन और भाई डर जाएंगे, तो स्कूल में साफ सुथरा करना चाहिए। उनके परिजन भी बच्चों को यहाँ नहीं भेजना चाहते। छात्रों के डर की बात सामने आने के बाद बालासोर के जिला कलेक्टर दत्तात्रेय बाऊ साहेब शिंदे ने भी स्कूल का दौरा किया। अब आप स्कूल के अध्यापिका से सुनिए कि बच्चों में कैसा डर का माहौल है और आसपास के लोगों में भी खौफ है। ये हादसा बड़ा भयंकर था, तीन तीन ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और 288 पीपल्स डेथ हुए हैं। और ये जो स्कूल नेशनल के पास है, तो यहाँ के सारे डेड बॉडी और 200 एम्बुलेंस में यहाँ पे लेकर आए थे। तो ये हॉल में सारे हॉल नहीं, 6 क्लासरूम्स फुल ऑफ बॉडीज। तो द साइकोलॉजी जहाँ नियर स्टूडेंट्स और गार्डियंस, तो साइकोलॉजी ये कह रहा है कि जो हिंदू रिचुअल्स है वो मानते हैं कि यहाँ कुछ होंगे, सारे डेड बॉडीज जो थे वो डरे हुए हैं, और वो लोग भी खुद यहाँ के विजिट करके गए हैं। तो सम स्टूडेंट्स नहीं चाह रहे हैं यहाँ आने के लिए, उनको डराव लगता है, और नियर लोगों में ये भावना है कि कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो रात में वो कोई नहीं निकलता घर से,
जून 20 से स्कूल रीओपन होगा, समर वैकेशन खत्म हो जाएगा, बीच में वन वीक गैप है, तो क्या करना, हम सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वेस्ट करते हैं कुछ रिफॉर्म किया जाए इस स्कूल के लिए। ये बड़ा स्कूल है और सारे बच्चों को कैसे मोटिवेट करके यहाँ आना है वो बड़ा भारी लग रहा है हमको, क्योंकि एक वीक है गैप में, तो रिक्वेस्ट है कि यहाँ से बड़ा हवन किया जाए, पूजा पाठ करनी चाहिए, रिक्वेस्ट है, और थोड़ा चेंज किया जाए, पूरी तरह चेंज किया जाए स्कूल को, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा।